अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक पेट्रोल पंप वाली मशीन है जिसकी एलसीडी टूटी हुई है। आज आपको इसकी एलसीडी चेंज करना सिखाएंगे। इसकी एलसीडी वाली किट हमने बाहर निकाल ली है और ये देखिए इसकी एलसीडी वाली किट में जो इसकी एलसीडी लगी हुई है, ये इसके जो है डबल प्रिंट होता है इसमें लगा हुआ, ऊपर और नीचे दोनों साइडों से ये सोल्ड हुई होती है, इसलिए इसको उतारना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, हम इसका उतारने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारी एलसीडी की ऊपर वाली स्क्रीन टूटी हुई है, इसको हम इसी तरह प्यार से उतार साइड से तोड़ देंगे, क्योंकि ये तो हमारी पहले की टूटी हुई है, इसलिए हमें इसको बचाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि हमारी जो किट है उसको कोई नुकसान ना हो। देखें, इस तरीके से इसकी दो परतें होती हैं एलसीडी की, डिस्प्ले वाली की। इसकी पहले हमने ऊपर वाली परत उतार लेनी है, किसी भी बारीक चीज़ से, नोकदार चीज़ से, पेचकस वगैरह से आप इसको उतार सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको ऊपर उसे उखाड़ देना है। और दोस्तों, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके नीचे जो वाइट कलर की इसकी है एलईडी वाली, उसको आपने बचाना है कि अगर वो कहीं वो ना टूट जाए। वो टूट जाएगी तो फिर आपकी एलईडी नहीं जलेगी, इसकी बैक साइड पे जो एलईडी चलती है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसे किट को उतार लेना है। ऊपर से एलसीडी की एक परत हमने उतार लेनी है पहले, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके साइड वाले जो पॉइंट हैं उनको हमने किसी नोकदार चीज़ से एलसीडी से अलग कर लेना है। इनको ऐसे इस तरीके से हमने मोड़ लेना है ताकि ये एलसीडी से अलग हो जाएं, और फिर बाद में हम इसको कावे की मदद से उतार लेंगे। दोस्तों, ये काम तो मशीन्स वगैरह से हो सकता है, लेकिन हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं कावे से ही करने का, क्योंकि मशीनें वगैरह हर वक्त दस्तयाब नहीं होती और किसी जगह पर वो नहीं हो सकती, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ कावे और सोल्डर का इस्तेमाल करेंगे और इसी से आपको करके दिखाएंगे। ये देखिए, इसकी जो साइड वाली पॉइंट्स हैं इसके जो एलसीडी में जा रहे हैं उनको हमने एलसीडी से अलग कर लेना है इस तरीके से। देखिए, इनको एलसीडी जब अलग करेंगे तो एलसीडी हमारी आज़ाद हो जाएगी, इसको हम ऊपर उठा लेंगे। एलसीडी के ऊपर वाली परत हमने पहले उतार ली है, अब ये हमारी जो नीचे वाली परत है वो ही लगी रह गई है इसमें। देखें, इस तरीके से इसके सारे पॉइंट्स को हमने अलग कर देना है एलसीडी से। फिर इसके बाद जो है हमारी एलसीडी आसानी से उतर जाएगी। दोस्तों, अगर हम कावे के ज़रिए इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो हमारी किट के जो पॉइंट्स हैं वो ख़राब होने का ख़तरा है, और अगर हीट गन के ज़रिए करेंगे तो अब यही ख़तरा है कि हीट जो हमारी किट के पॉइंट लगे हुए हैं वो ना ख़राब हो जाए। इसलिए हम पहले जो कि हमारी एलसीडी पहले की टूटी हुई है उसी को तोड़ के उतार लेंगे, और इस तरह से बारी बारी जो नीचे पॉइंट लगे हुए हैं उनको कावे और चिमटी की मदद से हमने उतार लेना है। जिस पॉइंट के ऊपर हम कावे रखेंगे उसके नीचे वाला शोल्डर मेल्ट हो जाएगा और चिमटी से आराम से वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो उतार लेने हैं। देखें, ये इसको ऊपर हल्का सा कावे रखेंगे और चिमटी की मदद से आप इसको पकड़ेंगे तो ये आराम और सुकून से बाहर आ जाएगा। इसके हमने सारे पॉइंट्स बारी बारी उतार लेने हैं। पॉइंट्स एक तरफ के पॉइंट्स में जब हमारे उतर जाएंगे तो हमने दूसरी तरफ के पॉइंट्स भी इसी तरीके से उतार लेने हैं। एलसीडी की जब हमने एक तरफ से उसको आज़ाद किया था पॉइंट्स से, एलसीडी की परत को उसको हमने उठा के थोड़ा सा मोड़ा था तो वहाँ से दूसरी साइड से भी वो आज़ाद हो गई थी, लेकिन इसके पॉइंट्स जो हैं वो बीच में ही लगे रह गए थे जिनको मैं अब निकाल रहा हूँ। लेकिन चिमटी की मदद से और कावे की मदद से इनको हमने आराम से और बाहर निकाल लेना है,
और दोस्तों हमने इस बात का ख्याल रखने के जो साथ साथ हमारी एलईडी वाली किट है जो वाइट कलर की, वो ना डैमेज हो। पॉइंट निकालने के बाद हमने सुई और कावे की मदद से इसके जो सुराख हैं वो सारे खोल लेने हैं बारी बारी। इस तरीके से हमने सुई लेनी है, सुई इतनी मोटी हो कि जितना हमारा सुराख है कम से कम इतनी मोटी हो, ताकि हमारा सुराख बिल्कुल खुला हो जाए और जो नई एलसीडी हमने इस पर लगानी है वो आराम से लग जाए। ये देखिए मैंने नई सुराख खोली है, अब नई एलसीडी मैंने इसके ऊपर रखी है। नई एलसीडी के पॉइंट्स जो उनसे हैं उनको हमने सुराखों पर रखना है और इसको आराम से मैंने इस पर बिठा देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एलसीडी पर हमने ज़्यादा दबाव नहीं डालना, क्योंकि ये नई एलसीडी है ये टूट भी सकती है। यहाँ जितनी आपसे एहतियात हो सके आपने करनी है। इसके सारे पॉइंट्स हमने आराम और सुकून से इसके अंदर अपनी जगह पर बिठाने हैं इस तरीके से। इसको हमने खासी एहतियात से, यहाँ बर्तनी हो गया मैं इस चीज़ पे इस काम में। ये देखें एक साइड से हमारी एलसीडी बैठ गई है, अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ वाले पॉइंट्स भी हमने इसी तरह आराम आराम से बिठाने हैं। एलसीडी हमारी जो है वो रेडी है, अब बारी आती है इसको सोल्ड करने की। दोस्तों इसको हमें चारों तरफ से सोल्ड करना पड़ेगा, दो तरफ फ्रंट से और दो तरफ इसकी बैक साइड से। देखिए इस तरीके से हमने काफ़ी और सोल्डर पकड़ना है और इसको बारी बारी इसके पॉइंट्स को हमने सोल्ड करते रहना है। याद रखें कि हमारा काविया जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो और सोल्डर भी आपने अच्छे वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बारीक सोल्डर लेना है आपने और इसके पॉइंट्स को सबको हमने बारी बारी सोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको सोल्ड करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको मज़ीद इसमें जो ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं वो भी आपको पता लगती रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ हम जब भी आपको नेट पर अपलोड करेंगे तो आपको उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये देखें इस तरीके से बारी बारी इसके हमने सारे पॉइंट्स को सोल्ड कर लेना है। और सोल्ड करते वक्त एक आपने ख्याल लाजमी करना है कि कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में अटैच ना हों। इस तरीके से आपने इसके फ्रंट वाले सारे पॉइंट्स सोल्ड कर लेने हैं और इसके बाद हमने बैक वाले पॉइंट भी इसी तरीके से सोल्ड कर लेने हैं इसके। पॉइंट इसके सारे तकरीबन सोल्ड हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। अब इसको हमने उल्टा करके रख लेने हैं और बैक वाले पॉइंट भी इसके हमने बारी बारी इस तरीके से सोल्ड कर लेने हैं। बैक वाले पॉइंट में शोल्डर पहले का लगा हुआ है, हमने हल्का सा कावी ऊपर रखना है और वो सोल्ड हो जाएंगे। जहाँ हमें शोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ शोल्डर मज़ीद लगा देंगे। देखिए दोनों तरफ के पॉइंट्स हमने इस तरह से सोल्ड कर लेने हैं। एलसीडी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, लग चुकी है। देखिए आगे पीछे सारे पॉइंट्स हमारे बिल्कुल ठीक लग गए हैं। अब मरल आता है इसको फिट करने का। मशीन को मैंने बैक साइड से खोल लेना है और इसकी एलसीडी को हमने लगा कर इसकी जगह पर इसके पीछे जो नट होते हैं वो कस देने हैं। मैं करीब से दिखाता हूँ आपको।
इसकी जो स्ट्रिप्स हैं, ये इसकी डिस्प्ले वाली स्ट्रिप है, पहले हमने ये लगा लेनी है। उसके बाद ये लाइट वाली स्ट्रिप है, ये देखें लाइट ऑन हो गई है लगाने से ही हमारी। अब आपको फ्रंट से दिखाता हूँ मैं, ये देखें LCD हमारी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। देखिए बटन भी सारे मैं दबा के चेक करता हूँ, सब कुछ ओके है।